हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम प्रीति तिवारी है और आज मैं आप लोग के लिए पोनीटेल हेयर स्टाइल्स लेके आई हूँ। तो चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिलना हो। ये जो ब्लाउज का डिजाइन देख रहे हो, इस तरीके की बहुत सारी अमेजिंग ब्लाउज डिजाइन एंड ड्रेस डिजाइन की वीडियोज मेरे सेकेंड चैनल पे प्रीति तिवारी 2 पे अपलोड है, तो प्लीज जाइए उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो आज का जो वीडियो है वो मैं पोनीटेल हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ। और कल मैंने बताया था साइड बन, जो वेडिंग पार्टी के लिए स्पेशली साइड बन गाउन ड्रेस पे चलता है, काफी रिक्वेस्ट भी आ रही थी, तो वो वीडियो अपलोड कर दिया। प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत सारी अमेजिंग हेयर स्टाइल की वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। तो मैंने हुड्डा ब्यूटी का ये प्राइमर एंड फिक्सर मंगाया था, ये मुझे ऑफर चल रहा था, दिवाली ऑफर, तो मैंने उसी टाइम ऑर्डर किया था। तो ये मुझे दो दो पैक मिले हैं 250 रुपए समथिंग में, ऐसे आपको ये बहुत महंगे पड़ जाएंगे, तो आप अगर चाहो तो ले सकते हो। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से मंगाया था और बहुत अच्छा है ये, मैं यूज कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट भी है इस प्राइमर का एंड फिक्सर का, तो आप ट्राई जरूर कर लीजिएगा। तो अभी मैं मेकअप नहीं कर रही हूँ, ओनली सिर्फ हेयर स्टाइल ही बताने वाली हूँ। हाँ, और ये भी मंगाया था मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, ये भी फ्लिपकार्ट से है, तो इसको मैं कभी और जब मेकअप करूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसको पहन के। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। हेयर स्टाइल के अभी मैंने अपने हेयर को वॉश किया है एंड कॉम भी नहीं किया है, तो अभी कॉम करूंगी हेयर स्टाइल बता रही हूँ। तो जो फर्स्ट हेयर स्टाइल है उसके लिए आपको यहाँ पे आपको मिरर में भी दिख रहा होगा, फ्रंट का और बैक का आपको ऐसे दिख रहा होगा व्यू। ओके, तो अच्छे से मैं कॉम कर रही हूँ। अच्छे से काम करके एक रबर बैंड लगा लेंगे। रबर बैंड को लगाने के बाद से आपको इसमें खजूरी चोटी जो बनती है वो बना लेना है। यहां से आप थोड़ा सा इसे टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे बालों को, और नीचे से थोड़ा थोड़ा सा लेयर लेके सेंटर में इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते जाएंगे, और बिल्कुल पतला पतला लेयर लेना है। इस तरीके से पूरा चोटी को गूंथना है नीचे तक। पूरा नीचे तक इस तरीके से गूंथते जाएंगे। ओके, इसी तरीके से पतला पतला, जितना पतला आप लोगे उतनी ज्यादा खूबसूरत लगेगी हेयर स्टाइल। नीचे तक गूंथ लेंगे। उसके बाद एक पतला सा रबर बैंड लेंगे, ओके। गूंथने के बाद अगर आप कॉलेज गर्ल्स हो या फिर ऑफिस, सॉरी कॉलेज गर्ल्स हो या फिर नॉर्मली स्कूल जाना है, तो आप ऐसे ही करके जा सकते हो। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट हेयर स्टाइल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड सामने से आप लेयर निकाल लेना। बट आपको जूड़ा बनाना है या फिर आपने कोई हैवी ड्रेस पहनी है तो आपको इसी हेयर को सिंपली इस तरीके से लपेट देना है। आप देख सकते हो कितना अच्छा और खूबसूरत सा लुक आ रहा है। अब इसको आप यूपिन की मदद से सिक्योर कर लीजिए, यूपिन या बॉबी क्लिप जो आपको इजी लगे। वाह, इस तरीके से आपको यूपिन से इसको सिक्योर कर लेना है, और ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो जाएगा। और ये काफी लॉन्ग लास्टिंग रहता है और जल्दी खुलता भी नहीं, और दिखने में भी काफी अच्छा दिखता है। ऊपर से थोड़ा सा हेयर को खींच लेंगे इस तरीके से, ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। थर्ड हेयर स्टाइल के लिए आपको इसको ओपन करना है बालों को,
थर्ड हेयर स्टाइल में अगर आपको पोनी खुली दिखानी है एंड थोड़ा सा डिफरेंट लुक चाहिए, तो आप साइड से थोड़ा सा बालों का लेयर ले लो और इनको सिंपली टू पार्ट्स में डिवाइड करके इस तरीके से ट्विस्ट कर लो आपस में। ट्विस्ट करके आपको अपने रबर बैंड के ऊपर इसको लपेट देना है, जिससे कि आपका रबर बैंड जो है वो हाइड हो जाए, और एक यूपिन की मदद से रबर बैंड के अंदर इस तरीके से लगा देना है। तो इस तरीके की भी पोनी आपकी काफी अच्छी दिखेगी एंड स्टाइलिश लगेगी। इसके बाद अगर आपको पोनी नहीं रखना है, ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल होगा, तो आपको क्या करना है, पोनी के सारे हेयर को टू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, अगेन इसको ट्विस्ट कर लेंगे आपस में। पूरा एंड तक इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे सिंपली, पोनी के चारों तरफ इस तरीके से लपेटेंगे एंड यू पिन से सिक्योर कर देंगे। ओके, इसी तरीके से दूसरी साइड का जो पोनी का हेयर बचा हुआ है, इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड सिंपली ट्विस्ट कर देंगे एंड तक पूरा ट्विस्ट कर देंगे। ट्विस्ट करने के बाद से इस तरीके से ऊपर से लेके जाएंगे और इस तरीके से यू पिन से सिक्योर करेंगे। और ये बन भी काफी इजी है एंड एवरीडे हेयर स्टाइल में आप बना सकते हो, या फिर आपने साड़ी डाली हुई है तो बना सकते हो, काफी अच्छा और आसान तरीके से बन जाता है। यूपिंस थोड़ा दो चार अधिक लगा दीजिएगा, ज्यादा लगा दीजिएगा, जिससे कि जो आपका हेयर स्टाइल है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे एंड जल्दी से खराब ना हो, खुल ना जाए बाद जल्दी। ये भी काफी अच्छा लग रहा है एंड बहुत ईजी है, तो कोई भी इसको बना सकता है। मेरे हेयर लेयर भी कटे हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ज्यादा यूपिंस यूज करना पड़ रहा है, बट आपके हेयर लॉन्ग होंगे, लेयर्स में नहीं कटे हैं, तो आपका और भी इजी तरीके से बन जाएगा। तो ये हमारा थर्ड फोर्थ हेयर स्टाइल हो गया, जो ये काफी इजी है एंड छोटे बालों में भी आप बना सकते हो। चलते हैं पांचवे हेयर स्टाइल की तरफ। इसके लिए पहले इस वाले हेयर स्टाइल को ओपन कर लेते हैं। पांचवी हेयर स्टाइल में पहले बालों को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ऊपर के सेक्शन को इस तरीके से लेंगे एंड यहाँ पे इसको ऊपर ही सेट कर देंगे, सिक्योर कर देंगे क्लचर पिन जो भी है आपके पास उसकी मदद से। ओके, बाकी सारे हेयर को एक पोनी बनाएंगे। इस तरीके से पोनी को बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे हेयर मेकर, ये ओके, हेयर मेकर को लेना है, थोड़ा सा पोनी का हेयर लेना है, हेयर मेकर को लगाना है, नीचे तक लेके जाएंगे और इस तरीके से लपेटते हुए नीचे की तरफ हेयर मेकर को अटैच कर देंगे और हेयर को इस तरीके से फैला देंगे। ओके, फैलाने के बाद जो बचे हुए हेयर हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड नीचे से इस तरीके से क्रॉस करेंगे और यहाँ पे आप यूपिन से या बॉबी क्लिप से इसको सिक्योर कर लीजिएगा और चारों तरफ से लपेट के यूपिन से सिक्योर कर देंगे।
तो इतना करने के बाद से आपको ऊपर के हेयर को ओपन कर लेना है अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट को छोड़ देंगे और एक पार्ट को आपको सिंपल चोटी गूथ लेनी है। पूरा एंड तक गूथेंगे। इस साइड के हेयर को इस तरीके से पकड़ लेंगे एंड इसको बन के चारों तरफ ऐसे लपेट के पिन से सिक्योर कर देंगे। अब इधर का भी जो हेयर बचा है उसको भी अगेन थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगेन इसको चोटी को बना लेंगे। पूरा एंड तक गूथना है, थोड़ा सा भी छोड़ना नहीं है। अब गूथने के बाद से ये वाला लेयर हमने एक साइड से लगाया था तो इसको दूसरी साइड से लगाना है और यू पिन से या बॉबी क्लिप से सिक्योर कर लेना है। इस साइड के हेयर को भी इस तरीके से करके चोटी को और उसके अंदर एक यूपिन लगा देना है जैसे कि ये है इस तरीके से। ओके ऊपर का इस तरीके से फैला लेंगे एंड बीच में एक यूपिन लगा देंगे बन मेकर के साथ मिक्स करते हुए। और ये हमारा हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट डन है। ये भी हेयर स्टाइल आप साड़ी के साथ बना सकते हो, काफी अच्छा लगेगा एंड बहुत इजी है तो कोई भी बना सकता है इसको। फ्रंट से आपको लेयर निकालना है या नहीं निकालना है वो आपकी चॉइस है, आपके फेस पे सूट करता है तो आप जरूर निकालिए और नहीं सूट करता है तो आप विदाउट लेयर के साथ भी हेयर स्टाइल को बना सकते हो। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए सेकंड चैनल पे ड्रेस डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे तो उस